तो गाइस आज अगर तुम्हारा भाई VFX रिएक्शन एपिसोड 2 को लेकर के गाइस, और जिसको नहीं पता है इस एपिसोड में होता क्या है तो मैं उसको बता दूँ। मैं आपके वीडियोस के ऊपर गाइस इस एपिसोड में रिएक्ट करता हूँ, बताता हूँ कि आप क्या गलती करते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सो आज का वीडियो स्किप नहीं करना गाइस, इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो दूसरों की गलतियों से। सो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर है मेरे पास फ़ोन, और यहाँ पर गाइस मैंने आपके वीडियोस को डाउनलोड कर रखा है। जिसका भी वीडियो मैं प्ले करूँगा गाइस उसका नाम भी कहीं पर भी शो कर दूँगा, इधर उधर कहीं पर भी। ओके सो गाइस यहाँ पर मैं जो पहला वीडियो को प्ले करता हूँ, ओके तो मैं थोड़ा सा साइड में आ जाता हूँ इधर आपको वीडियोज दिखाने के लिए। ओके सो फर्स्ट वीडियो प्ले करता गाइस। सो मेरे भाई यहाँ पर पहले गलती तो आपने ये किया कि आपको कैमरा फ्रेम जो आपने सही से सेट नहीं कराया, मतलब आपका जो ज़मीन वाला एरिया है कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, और आपका स्काई बॉडी वो थोड़ा सा कट रहा है उधर की तरफ, ठीक है। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना था, और आपका वीडियो काफ़ी औसम लगता है देखने में। और वहाँ पर जो आपने पंख लगाया उसको सही से नहीं लगाया गया, ये सही तरीका नहीं है इसको लगाने का, मतलब यहाँ पर जो आपका पंख है वो काफ़ी छोटा दिख रहा है। सही तरीके से कैसे लगाना गाइस उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। सो अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो। सो इसने भी वही सेम गलती करा है, पंख को सही से एडजस्ट नहीं करा, साइड से दिख रहा है कटा हुआ। ओके ये चीज़ पर आप लोग को ध्यान देना था, और मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जब भी आप स्काई को चेंज करो तो ध्यान रखना कि आपका जो है मेन वीडियो वो हिले ना, नहीं तो आपका वीडियो काफ़ी ख़राब हो सकता है। इस बंदे ने भी वही गलती करा है, वीडियो को हिलाया है और वीडियो इसका ख़राब हो चुका है। सो ये चीज़ सुधारना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो में ये तो वीडियो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अब जब हाथ से इस तरीके से घुमाते हो तब वहाँ पर अगर आपका फेस थोड़ा सा लाइट दिखता ओके तो और अच्छा लगता है देखने में। एंड जैसे मून आता है वहाँ पर एक अच्छा सा ट्रांजिशन लगा देते तो और भी बेटर हो सकता था आपका ये वाला वीडियो। सो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो मेरे भाई मुझे जहाँ तक पता है इस वाले वीडियो में जब आप हवा में उड़ते हो तब वहाँ पर कुछ थंडर इफेक्ट यानी कि बिजली वाला इफेक्ट लगाया जाता है, ठीक है। वो चीज़ आपने यहाँ पर नहीं लगाया। सो वो चीज़ लगाते तो और भी नेक्स्ट लेवल में आपका ये वीडियो जा सकता था, लेकिन ये वीडियो आपका काफ़ी अच्छा है एडिट, ठीक है। आगे भी आप लोग मेहनत करना, बहुत अच्छा आप लोग करोगे। ओके सो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या है। वैसे ये नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लंबा है। सो ये वीडियो काफ़ी लंबा है, यहाँ पर मैंने इसको पहले भी देख रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में इतने सारे इफेक्ट्स हैं, इतने सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं कि क्या ही बताऊँ। इसको थोड़ा सा आपको कम करना होगा, ट्रांजिशन लगाओ बीट्स के बीट के हिसाब से, और जो इफेक्ट है वो बहुत सारे हैं उसको थोड़ा सा कम करना। इफेक्ट अगर बहुत ज़्यादा लगा दो तो वीडियो काफ़ी भद्दा लगता है, और बहुत कम लगा दो तो भी काफ़ी अच्छा नहीं लगता है देखने में, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है गाइस। ओके सो अब देखते हैं गाइस हमारे पास नेक्स्ट वीडियो क्या है। सो ये वीडियो तो काफ़ी अमेजिंग है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये गलती किया आपने, कि गलती तो नहीं बोलेंगे, आपने जो स्लो मोशन एंड में दिया है वो अच्छे से नहीं दिया है। आपका वीडियो यहाँ पर कतई जहर वाला स्लो मोशन होता तो और भी नेक्स्ट लेवल में आपका वीडियो जा सकता था, और वो जो प्लेन जा रहा है ऊपर की तरफ से उसको थोड़ा सा आपको स्लो मोशन में डालना था, आपने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में उसको कर दिया। ओके सो इस पर आपको ध्यान देना था। सो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारे पास क्या है। हर पल मेरी याद तुम्हें।
सो यहाँ पर आपने ये गलती करा कि आपका जो वो डब्बा वाला है ना पम वाला, उसको ग्रीन स्क्रीन सही से उसका रिमूव नहीं किया, कहीं पर ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है फटने के बाद, ओके उस पर ध्यान देना था। और आपने जो वो लगाया वो हिल रहा है, मतलब स्टेबल नहीं है एक जगह, शायद आपके वीडियो के कारण होगा या फिर ये पहले से वैसा होगा, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना था। सो छोटी छोटी बातों पर आप लोग ध्यान देना गाइस, काफ़ी हद तक आपका वीडियो सुधर सकता है। ओके सो अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो। सो ये वीडियो आपने देख लिया, अब एक बार ये वीडियो देखो और एक बार ये वीडियो देखो, दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है। सो इन दोनों में अंतर ये है कि गाइस मेरा वीडियो में पहले मैं आता हूँ, उसके बाद जो सन को उठाता हूँ, ये डायरेक्टली आता है सन को उठाता है और उधर की तरफ लेकर के चले जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना गाइस, वीडियो को आपको सही से देखना, आप लोग नहीं देखते हो इसलिए ऐसा गलती कर देते हो। आप लोग को काफ़ी कुछ गलती दिख रहा होगा इस वीडियो में, आप लोग बताना कि ये क्या गलती करा है इस वीडियो में, कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ अभी के भी। ओके सो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो ये वीडियो तो काफ़ी अमेजिंग है, लेकिन ये क्या काइल मास्टर का लोगो? यार मेरा वाला मोड वर्जन डाउनलोड कर लो, ऐसे अगर लोगो दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है डाउनलोड कर लेना मोड वर्जन आप। और यहाँ पर आपने ये गलती कराई कि जब आप सन को कुछ इस तरह से फेंकते हो ऊपर की तरफ, तो सन पहले चले जाता है उसके बाद मून बाद में आता, थोड़ा सा लेट से डिस्टेंट है, तो डिस्टेंस है आपकी वीडियोज़ में थोड़ा सा, ये गया इतना में आया, उसके बाद इधर से फिर चांद आता ऐसे करके, तो गजब का लगता है आपका वीडियो देखने में। वैसे आपका वीडियो काफ़ी ऑसम है, ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारे पास क्या है। सो मेरे भाई यहाँ पर आपने दो वीडियो शूट करा है, ठीक है, एक जो स्टार्टिंग में आप बोलते हो कुछ, उसके बाद जो लास्ट वाला स्लो मोशन, एक वीडियो आपका बहुत ही गजब का है स्लो मोशन वाला, और दूसरा वीडियो आपका सही नहीं है। यहाँ पर आपने लिपसिंग भी करा है कुछ अलग तरीके से, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छे से लिपसिंग करना था और थोड़ा सा एक्टिंग भी आपको अच्छा करना था। स्टार्टिंग में ही अगर आप गलती कर दोगे तो कौन देखेगा पूरा वीडियो आपका, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ज़बरदस्त एक्टिंग करना था, ठीक है। सो गाइज़ यही था मेरे पास कुछ वीडियोस जो मैंने रिएक्ट किया, अब आप लोग बताओ कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, अच्छा लगा तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके वीडियोस के ऊपर मैं रिएक्ट करूँ, तो जाओ यार इंस्टाग्राम में अपने अपने वीडियोज़ मुझे सेंड कर देना और वहाँ पर लिख देना रिएक्ट दिस वीडियो, ओके सो मैं रिएक्ट कर दूँगा गाइज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एक चीज़ और गाइज़, यार वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है यार, प्लीज़ सपोर्ट करो यार, लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो। सो गाइस आप सभी किसी ऐसे यूट्यूबर तक के लिए जय हिंद जय भारत।